हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज सुशांत बताने वाले हैं कि आज वो क्या बैठाने वाले हैं। दोस्तों, आज हम पाइनएप्पल पेड़ का पौधा बैठाने वाले हैं, जो कि उसको बैठाने के लिए हम यहाँ पे अभी गड्ढा बना रहे हैं। आप पौधा देख सकते हैं, वहाँ पे रखा गया है पाइनएप्पल बैर का पौधा। आज हम इसको आपको बताने वाले हैं कि इसको कैसे लगाएं। तो देखिए, यहाँ पे सुशांत ने गड्ढे को तैयार कर लिया है। उन्होंने इसमें महाकाल पाउडर मिला रखा है पहले से ही, और अभी इसमें जो है ये देखिए दोस्तों, तो हम मिट्टी में खाद मिला चुके हैं, सड़ी हुई गोबर की खाद। और इसको हम गड्ढे को भर देंगे थोड़ा सा खाद मिला करके। गड्ढे की भरपाई करने के बाद इसको पूरी तरह से भर देंगे। आप लोगों को हम दिखा दें, पाइनएप्पल बैर का पौधा ही है, जो कि आप लोगों ने सुना होगा कहीं पे कि बैर का पौधा होता है। तो इसे हम एक ही पौधा मंगाए हुए हैं, इसका नाम है पाइनएप्पल बैर। देखिए पाइनएप्पल बैर का पौधा। दोस्तों, और आपको ये पौधा इजीली मिल भी जाएगा कहीं भी आपके आसपास पौधशाले पे, लगभग 200-200 रुपए में तो आपको मिल ही जाएगा ये पौधा। और इसमें जो है इसके बैर भी बहुत अच्छी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी सी होती हैं, तो आप इसको ज़रूर लगाएं। कलम किया हुआ पौधा है। गड्ढा बनाने के बाद उसमें मिट्टी में मिला करके सड़ी हुई गोबर की खाद और ये दवा मिला देंगे, जिससे कि उसमें दीमक वगैरह इसमें ना लगे। अब ये देखिए बैठा रहे हैं पौधे को। आप ऐसे मिट्टी को दबा देंगे। दोस्तों, केवल उसके किनारे पे ही आपको ऐसे दबाना है, पौधे पे मत मारिएगा वरना आपका पौधा ग्रो नहीं करेगा और टैया करेंगे मिट्टी की। जिससे कि मिट्टी अच्छे से दब जाए। तो दोस्तों, हमारा पाइनएप्पल बैर का पौधा लग चुका है, आप देख सकते हो। अब आप इसमें पानी डाल दीजिएगा, जो कि अभी हम डालेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको अगर इसका आगे का रिज़ल्ट देखना है और फिर अब मीठे मीठे बैर भी खाने के लिए, इसके फल भी देखने के लिए, आपको हमारे चैनल को पहले लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए हम आगे की वीडियो लेके आएंगे कि इस पौधे का रिज़ल्ट क्या हुआ या फिर इसके फल कैसे हुए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।